तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पहला रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को जानकारी मिल पाए कि आप सभी लोगों ने पिछले एक महीने से जो एकजुटता दिखाई है, एकता दिखाई है, उसका एक नतीजा, एक परिणाम, सफल परिणाम बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। दूसरा रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो को जितना हो सके हजारों की संख्या में आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें सकता है मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि ICDS विभाग की ओर से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेटर है। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि फिर से जो है ICDS विभाग की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से बिहार के आंगनबाड़ी जो यूनियन है, संघ है, उनके लीडर्स को वार्ता के लिए कल यानी 1 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे आयोजित किया गया है, उनको बुलाया गया है। अब यहाँ पर इस बार जो है मात्र 3 से 4 दलों को ही बुलाया गया है, और आप सभी को मालूम होगा कि पिछले 2-3 बार ये वार्ता की गई, उसमें मदन सहनी जी भी मौजूद थे, समाज कल्याण विभाग के जो सचिव है, पदाधिकारी, वो भी मौजूद थे, लेकिन वार्ता विफल हो गई। तो फाइनली अचानक से आज लेटर जारी किया गया है और कल बैठक होने वाली है, इसका क्या नतीजा हो सकता है और संघ का इस पर क्या विचार हो सकता है, विमर्श हो सकता है, हम आगे आपसे वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट वही है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनली सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप कीजिएगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको जाननी चाहिए, अगर वो छूट जाएंगी तो फिर से पूरे वीडियो का समरी और जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिहार सरकार ICDS की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से ये ऑफिशियल लेटर आज 31 अक्टूबर 2023 शाम को जारी किया गया, जिसकी संचिका संख्या है 6040। यहाँ पर देखिए, इस लेटर को जारी करने वाले हैं सांख्यिकी पदाधिकारी ICDS निदेशालय पटना से, ऑफिस से सीधे इसको जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो रही है कि जारी किनको किया गया, यहाँ पर देखिए किनको जारी किया गया है, अध्यक्ष या सचिव, यहाँ पर 4 यूनियंस को बुलाया गया, मात्र 4 यूनियंस को। इसके पहले आपको ध्यान होगा 7-8 यूनियंस के लीडर्स को बुलाया गया था, और उसके बाद जो है अलग अलग संघ की प्रतिक्रिया ये आई कि हम लोग इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। कहना था ये संघ के लोगों का जो बिहार के मुख्य रूप से संबंधित हैं, कि जब दूसरे राज्य के संघ का इसमें कोई महत्व नहीं है बिहार में, तो दूसरे राज्य के संघ के लीडर्स को आखिर क्यों बुलाया जा रहा है। इसीलिए पिछला 2 बार वार्ता हुआ वो सफल नहीं हो पाया। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 4 संघ कौन से हैं और पूरा इसका समरी क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, इसकी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद 3 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा निश्चिंत होकर समझिएगा। अध्यक्ष या सचिव को बुलाया गया, कौन सा संघ है, पहला संघ है बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति, केदार भवन, अदालतगंज, पटना, ये कुमार बिंदेश्वर सिंह जी का यूनियन है। दूसरा है बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, परमानंद निकेतन, एनी बेसेंट रोड, पटना 4, ये शायद कुमारी गीता जी का जो यूनियन है। साथ में बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ इंटक श्रमिक केंद्र सदाकत आश्रम कुर्जी पटना में इनका ऑफिस है। चौथा जो संघ है बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध, ये 4 यूनियन के लीडर को यानी अध्यक्ष और सचिव को बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली है कि वार्ता जो है कल होगी, तो वार्ता किसके साथ होगी, क्या उसमें समाज कल्याण विभाग के मंत्री रहेंगे या फिर सिर्फ अधिकारी पदाधिकारी रहेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए विषय लिख दिया गया जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि सचिव समाज कल्याण विभाग के साथ वार्ता हेतु उपस्थित रहने के संबंध में। ध्यान से समझिएगा, पिछला 2 बार जो मीटिंग आयोजित किया गया था उसमें समाज कल्याण विभाग के सीधे मंत्री जी जो थे मदन सहनी जी, वो आए हुए थे 2 बार, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, मैंने आप सभी को बताया था। लेकिन इस बार बदलाव ये हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के सचिव के साथ जो है संघ के लीडर्स की वार्ता होगी। ये बात आपने समझ ली, ये अंतर हुआ पिछले मीटिंग से। छोटा सा लेटर है, लिखा गया महासचिव उपयुक्त विषय के निर्देशानुसार कहना है कि उपयुक्त संघ के अध्यक्ष एवं सचिव के साथ दिनांक 1 नवंबर 2023 यानी कल सुबह 11 बजे समाज कल्याण विभाग के सचिव के साथ उनके कार्यालय कक्ष में वार्ता हेतु तिथि समय निर्धारित किया गया, कृपया ससमय भाग ले। यानी कि कहना है कि संघ के अध्यक्ष और सचिव सिर्फ रहेंगे कौन, तो 4 संघ के अध्यक्ष और सचिव रहेंगे कल 1 तारीख को एक सुबह 11 बजे समाज कल्याण विभाग के सचिव के साथ उनके कार्यालय कक्ष में पटना में यह वार्ता, बड़ी वार्ता आयोजित होने वाली है। यहाँ पर सांख्यिकी पदाधिकारी जी का सिग्नेचर और 31 अक्टूबर का डेट और यहाँ पर ज्ञापन आपको देखने को मिल जा रहा है। ये जो मीटिंग और वार्ता आयोजित की गई है,
इसके बारे में सूचना जो है समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी जी को और बिहार के आप सचिव को दे दी गई है। साथ में समाज कल्याण विभाग के सचिव और बिहार के सरकार के आप सचिव को दे दी गई है। बात करें कि इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले देखिए अंतर ये है कि इसमें जो है सिर्फ सचिव उपस्थित रहेंगे समाज कल्याण विभाग के, मंत्री जी मदन सहनी जी उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि दो बार उनसे वार्ता विफल हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग वापस आ जाइए, हम सरकार से मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता मतलब कि ये बात पहुँचाएंगे और सरकार आपको आश्वासन देती है कि कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा, लेकिन संघ ने कहा कि जब तक लिखित रूप से कुछ पूरा नहीं होता हम हड़ताल वापस नहीं करेंगे। तो अब की बार जो है 1 तारीख को आयोजित की जा रही है। अब देखिएगा इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। समाज कल्याण विभाग के सचिव के साथ 4 संघों के अध्यक्ष एवं सचिव रहेंगे, यानी 8 से 10 लोग रहेंगे और ICDS के अधिकारी पदाधिकारी रहेंगे। तो उस वार्ता में क्या निर्णय, अगर कोई अच्छा निर्णय लिखित रूप में निकलता है तो निश्चित रूप से हड़ताल कल ही समाप्त हो जाने की उम्मीद है। देखिए मैं अभी कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 बार वार्ता विफल हो चुका है। अगर ये वार्ता विफल हुई, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी ये अनुमान लगा रहा हूँ, अगर ये भी वार्ता विफल हो जाती है और इस वार्ता में जो संघ के लीडर्स की सभी लोगों की एक साथ जो एक सुर में मांग रहती है अगर वो पूरा नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए अगर महाहड़ताल आगे कैरी ऑन किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं 3 नवंबर को जो है कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में होगी, उसमें बड़ा मुद्दा यह बनेगा क्योंकि ICDS के अधिकारी पदाधिकारी भी ये कहेंगे कि बार बार वार्ता हुई, नीतीश कुमार जी के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि संघ के लोग या आंगनबाड़ी कर्मचारी काम पर नहीं आ रही है, सारा काम ठप पड़ा हुआ है। मंत्री मदन सहनी जी खुद जो है वो परेशान हो चुके हैं, 2 बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन अभी तक जो है वो इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाए हैं। बाकी यहाँ पर सचिव जी के साथ जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें देखने वाली बात होगी कि कल 11 बजे जो मीटिंग हो रही है किस प्रकार होगी और क्या निर्णय निकल सकते हैं, संघ का क्या वक्तव्य रहता है और आगे का हड़ताल की क्या स्थिति रहती है। मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कल के मीटिंग के बारे में, साथ में मुख्यमंत्री के जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी उसका क्या निहितार्थ हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ये विफल होता है, अगर ये सक्सेस हो गया तो अच्छी बात होगी, कल ही हड़ताल हो सकता है समाप्त हो जाए। जो भी होगा आपको आने वाले कल शाम तक सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।